फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है, जिसका नाम है पीके गार्डन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है गुलाब के ऊपर है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डिटेल वीडियो होने वाली है। आज मैं बात करूंगा येलो लिप्स के बारे में। बहुत सारे रोजारियन परेशान हैं और हमारे पास सारे लोग पूछ रहे हैं, हमारे बहुत सारी वीडियो येलो लिप्स पर पड़ी है। ये मैंने जो जानकारी इकट्ठा किया है, कुछ नोटिस करके, कुछ बड़े लोगों से मैंने डिस्कस किया कि होता क्या है कि जैसे कि मेरा इतने अच्छे प्लांट चमक रहे हैं, खूब अच्छी लिप्स है, और कल के डेट में मेरे येलो पत्ते हो के अगर गिरने लगे तो क्या लॉजिक है उसका, उसको किस तरह से हम सही करेंगे, और सारे लोग परेशान हो जाते। हमने काफ़ी सारे अध्ययन किया है, बड़े बड़े एक्सपर्ट से मैंने राय लिया है इस चीज़ को, और मैंने जो नोटिस किया है इस पर बहुत सारी स्टडी किया गया है, फिर इस चीज़ को डिजाइन किया जाता है। आज 10 मुख्य बातें हम आपको बताएँगे। आपके जो पौधे होते हैं उसका जो प्लांट होता है वो येल्लो पत्ता क्यों होता है, 10 ऐसी मुख्य बातें हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ऐसी बातें आपको जानकारी मिलेंगी, शायद इस जानकारी से आपको आने वाले फ्यूचर में आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्लांट है और आप देख सकते हैं, पिछला भी मैंने वीडियो बनाया था, इस प्लांट को दिखाया था। ऊपर की जो प्लांट्स है काफ़ी देख सकते हैं कि अच्छे ग्रोथ है, नीचे कहीं पत्ती हमारी येल्लो हो गई, सारे पत्ती होकर झड़ चुके हैं। तो सबसे मुख्य बातें हैं ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग क्या है, इसकी क्या सोल्यूशन है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा क्लियर करेंगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। ओवर वाटरिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सावरिंग देने से, पानी देने से भी पत्ता पीला होकर गिरता है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, सनलाइट की प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं मिलता है, मॉइस्चर होता रहता है, मॉइस्चर को सिंडर मीडिया में, मिट्टी में अगर होल्ड ज़्यादातर रहता है तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। टेम्परेचर, मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है टेम्परेचर डिफियंसी, जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे धूप होगा, बारिश होगा और छांव हो जाएगा, फिर बादल हो जाएंगे, उसमें भी पत्ती आपके येल्लो होकर गिरेंगे, तीसरे नंबर की पॉइंट है। चौथा नंबर की सबसे बड़ी समस्या हीट वे, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से भी पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, इसके वजह से भी आपके पत्ती येल्लो होकर गिरेंगे। उसके बाद आपका आता है कि रिपोर्टिंग शॉट, अगर आप पौधे को रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है, रिपोर्टिंग करेंगे तो आप, मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बताया था, ह्यूमिक एसिड आप डाल दीजिए, ठीक, ह्यूमिक एसिड आप डाल दीजिए तो भी पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट की भी बहुत सारी वीडियोस में आप देखे होंगे कि लोग ड्रिंच करने के लिए बताते हैं। तो एक सोल्यूशन ये भी है कि आपको जो है रिपोर्टिंग करते समय जो हम फर्स्ट वाटरिंग करेंगे ह्यूमिक एसिड से दे दें, या तो मैग्नीशियम सल्फेट का दे दें, तो उससे प्लांट शॉक में जाने से बचता है, इससे भी पत्ती येलो होकर गिरता है। आप देखते होंगे नया प्लांटेशन करते हैं तो हम लोग पत्ती काट करके हम लोग प्लांटेशन करते हैं, तो ये यही लॉजिक है, या तो पत्ती गिरने लगेगा या तो पौधे स्ट्रेस में चला जाता है बहुत ज़्यादा। रूट बाउंड, छः नंबर के जो पॉइंट मैंने नोटिस किया है, रूट बाउंड अगर हो गया आपके प्लांट में, रूट बाउंड हो जाता है तो भी आपके प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, उसको मैं रिपोर्टिंग हम लोग करना होता है। देखे होंगे पिछला वीडियो मैंने रिपोर्टिंग करके दिखाया था, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। सातवें नंबर पे जो नोटिस किया गया है, माइट्स, थ्रिप्स, पेस्ट अटैक की वजह से भी येल्लो पत्ती होकर गिरता है, जैसे कि एक पत्ती मैं कैंची से काटने के लिए बताया था, ये देखिए थ्रिप्स और माइट्स भी अगर लगे होते हैं तो ये रस चूस लेता है और इसके वजह से भी ये देखिए पत्ती होके गिरता है। आठवें नंबर जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात होती है, पीएच की डिफियंसी की वजह से होती है। पीएच की डिफियंसी बहुत बड़ा लॉजिक होता है गुलाब में, और गुलाब को पीएच की डिफियंसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन दो चीज़ है, फेरस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और पीएच डाउन करने के लिए विनीगर का इस्तेमाल करेंगे, पीएच को डाउन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड लोग बोलते हैं, बैटरी का एसिड होता है, उससे भी डिटेल वीडियो मैंने पहले बना रखा है, जा करके देख लीजिएगा। आठ नौवा नंबर की जो बात होती है नेचर, डोरमेंसी, डोरमेंसी अगर प्लांट में हो जाती है तो भी जो है आपका कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर महीने में, देखे होंगे जो इस समय हाल हुई है अगस्त महीने में का ये वीडियो है, और अगस्त में देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स, डोरमेंसी में भी जब प्लांट जाता है, प्लांट मैच्योर जब हो जाता है तो वो जैसे कि हर पौधे का एक समय होता है, पतझड़ होता है, जैसे कि हम लोग का भी शरीर भी जो होता है, आप देखते होंगे कि ठंडी के समय में जो उसको हम लोग चराना बोलते हैं, सेम वही कंडीशन पौधे के अंदर भी पाया जाता है। पौधे के अंदर नेचुरल डोरमेंसी में जाता है प्लांट तो पत्ती गिरना लाजिम होता है, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा।
10 नंबर की जो पॉइंट हमने नोटिस किया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी, ये एक बहुत बड़ी रोल आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी। अब इसको मैं डिटेल प्रकाश हम डाल रहे हैं क्या होता है, जैसे कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंसी कैसे होता है, ये बहुत वीडियो बनाने का मेन यही मुद्दा है। आप नोटिस करते होंगे जब भी आपका प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, इवन अगर रात भर का बारिश की वजह से होगा, दिन की नहीं रात की, अगर आपका 8 से 10 घंटा रेगुलर आपके पॉट में मॉइस्चर होल्ड रहेगा, न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल जाता है और उसी की वजह से जो प्लांट जो है आपकी पत्ती येल्लो होकर गिरता है। और न्यूट्रिएंट्स के डिफिशिएंसी से क्या आता है, ब्लैक स्पॉट आता है, वाइट डाउनी मिल्डू आता है, वाइट मिल्डू आता है, ये चीज़ होता है, फंगस की कैटेगरी को जनरेट करता है और उसके बाद से जो है आपका येलो पत्ता होकर गिरना चालू हो जाता है। ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट चीज़ ने इस को गाइड किया था कि फंगस की कैटेगरी बनता है, इसके लिए सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये पौधे में पौधा जो होता है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाता है, धुल जाता है सिंडर मीडिया में, और जब न्यूट्रिएंट्स पत्ती तक पहुँचता नहीं है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है और सारी पत्ती से वो बाहर हो जाता है न्यूट्रिशन, इसलिए पत्ती को न्यूट्रिशन अलग से देना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे में 13045 13413 1919 0050, ये आपको स्प्रे करना होता है, 0050 के मुख्य स्प्रे देखा गया है, और आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे करना है। लोग बोलते हैं ना जिंक चिलेटेड यूज़ कीजिए, चिलेटेड आयरन यूज़ कीजिए, तो ये चीज़ ही होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जहाँ तक बात रही बताने वाली चीज़ें, तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे बता दिया जाता है ना, लोग उसका इज्जत नहीं करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आगे मैं बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, 2-3 वीडियो बेसिक चीज़ पे मैं लेकर के आ रहा हूँ, उसका हर एक चीज़ में काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये फंगस की कैटेगरी होती है फ्रेंड्स, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा अगर पानी आपके पॉट में रहा, बारिश में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा रहा, न्यूट्रिशंस उस प्लांट में ख़त्म हो जाता है, उसके वजह से फंगस की कैटेगरी जनरेट होता है, ब्लैक स्पॉट आएगा और बहुत सारी चीज़ उसमें देखने को पाया जाता है। इसलिए जो है हाइड्रोजन पोरऑक्साइड भी हमने बताया हुआ है। इसका सोल्यूशन क्या है आपका, इसका सोल्यूशन ये है कि एमिस्टर टॉप आपको 0.5 ml लेना है, और दूसरी आपको M45 आपको लेना है 0.5 ग्राम, आपको 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके आपको स्प्रे करना है। एक बहुत इस समय जो चलेगा कॉपर ऑक्साइड, एक फंगिसाइड आता है सिंजिंटा कंपनी का आता है, टाटा भी बनाती है, बहुत ऐसी कंपनी बनाती है उसको, आपको एकदम इस समय वो फंगिसाइड आपको 1 महीने से 2 महीने तक चलेगा। M45 अगर बारिश के मौसम में M45 बहुत अच्छा गुलाब पे देखा गया है, और एमिस्टर टॉप भी गुलाब पे बहुत अच्छा दिया है। महंगी प्रोडक्ट है, लेकिन आप कॉपर ऑक्साइड, आप कॉपर की तरह के कोई भी फंगिसाइड आप इस समय डोरमेंसी की जो पीरियड होती है उस समय वो फंगिसाइड आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको नीचे से ड्रिंच करना है और टहनी पर ड्रिंच करना है, उससे आपकी अब जो समस्या आने वाली है वो स्केल की आने वाली है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पानी में लगातार जमा रहता है, उसको स्केल की फंगस की डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये सारे प्रिकॉशन आपको करना है, आपको केयरिंग के ऊपर ही मेन है। अगर आप गुलाब पर केयरिंग आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बीमारी को रोका जा सकता है आने से। मैं आपको ये सारी वीडियोज़ में बनाने का यही रोल था, और मैं डीपली पूरी चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको मैंने पॉइंट नोट आउट कर दिया है, और ये एक आपको बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से कि आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं पत्ता गिरता, मैं चारों तरफ बात करने लगता हूँ, तो ये सारी समस्याएँ जो एक ग्रोवर का प्रॉब्लम क्या होती है वो हम समझ सकते हैं, और एक मैं खुद ग्रोवर हूँ तो उस चीज़ को मैं देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर मैं आपको ये वीडियो बताता हूँ। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रिकॉशन आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और इस समय थोड़ी से डिफ़िकल्ट समय चल रहा है, तो अगस्त महीने आपको बचा करके चलना पड़ेगा गुलाब के ऊपर। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।